press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आइए केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक घुलनशील लवण है, लेकिन ज्यादातर दूसरे हाइड्रोक्साइड अघुलनशील होते हैं। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से इस तरह रिएक्शन करवा के बनाए जा सकते हैं। इक्वेशन बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सब कुछ ट्रैक करने के लिए एक टेबल का इस्तेमाल करें। आप इस टेबल में समीकरण के बाईं और दाहिनी तरफ के एटम्स की संख्या को लिख सकते हैं। उसके बाद उनकी तुलना करके आप पता लगा सकते हैं कि वो बराबर हैं या नहीं। याद रहे कि आप सिर्फ कंपाउंड्स यानी यौगिक के सामने की बड़ी नंबर को ही बदल सकते हैं। ये संख्या हमें ये बताती है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप बॉन्ड्स ब्रेक नहीं कर सकते। वीडियो रोक के इस टेबल को फिल करें और एटम्स को ऐड करने का प्रयास करें। क्या आप तैयार हैं? शायद ये वही संख्याएं हैं जो आपने टेबल में भरी हैं। हम देख सकते हैं कि मेटल्स बैलेंस्ड हैं, लेकिन बाईं तरफ क्लोरीन के 3 गुना ज्यादा एटम्स हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के 3 गुना ज्यादा एटम्स हैं। तो आइए दाईं तरफ क्लोरीन वाले कंपाउंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाईं तरफ हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आप ये बैलेंस्ड हैं? वीडियो रोक के फिर से टेबल भरिए। क्या मिला आपको? अब इक्वेशन बैलेंस्ड है। आइए अब उन रिएक्शंस को देखते हैं जो केमिस्ट्री में कहीं और भी इस्तेमाल होती हैं। क्या आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं? वीडियो रोक के खुद कोशिश करें। आइए अब आंसर्स देखते हैं। ये आंसर्स हैं। अगर आपने गलती की है तो पूरी टेबल फिर से बनाइए और जब किसी कंपाउंड के सामने की नंबर को चेंज करें तो हर बार एटम्स की संख्या को गिनें। कई बार ट्रायल और एरर में कुछ टाइम लग सकता है। अगर केमिकल फार्मूली यानी रासायनिक सूत्र में चार्जेस हैं, तब भी रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे कोबाल्ट के इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखिए। हम एटम्स को बैलेंस करने से शुरू कर सकते हैं। पहले की तरह हम यहाँ पर भी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण के दाईं तरफ बाईं तरफ की अपेक्षा आधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, तो आइए हम उन्हें डबल कर देते हैं। टेबल का यूज करके अगर हम एटम्स को ऐड करें तो दोनों तरफ सभी एटम्स बराबर आते हैं, है ना? लेकिन लेफ्ट साइड में टोटल चार्जेस +2 है, लेकिन राइट साइड में टोटल चार्जेस +3 -1 × 2 है, यानी टोटल चार्ज +1 है। यहां पे हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर बिना किसी चीज के नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहां पे इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हमें चार्जेस भी बैलेंस करना होता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि हम इक्वेशन के दोनों तरफ कोबाल्ट आयंस की संख्या को बदल दें। हमें दोनों तरफ कोबाल्ट आयंस को बराबर मात्रा में बदलना होता है ताकि एटम्स भी बैलेंस्ड रहें। क्योंकि उनके चार्जेस अलग होते हैं, इसलिए बाईं ओर के चार्जेस का अनुपात दाहिनी तरफ के चार्जेस के साथ बदल जाएगा। अब एटम्स और चार्जेस दोनों बैलेंस्ड हैं। बैलेंस करने में बाहर से ना तो कुछ जुड़ा है और न ही कुछ घटा है। एटम्स या चार्जेस न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। बैलेंसिंग में ये रूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप कंपाउंड्स में एटम को गिन के इक्वेशन के दोनों ओर उन्हें बैलेंस करने को लेकर जरूर कॉन्फिडेंट होंगे। हमें चार्जेस का भी ध्यान रखते हुए दोनों को बैलेंस करना है।